आपका इम्यूनिटी स्कोर जो है वो फेयर आया है, मतलब कि ठीक ठाक आया है, इसे और इम्प्रूव करने का स्कोप है, इसे गुड और एक्सीलेंट बनाया जा सकता है। आपको थोड़ी सी मेहनत अपनी इम्यूनिटी के ऊपर लेनी है, अपनी हेल्थ के ऊपर लेनी है, ताकि आप अपने इम्यूनिटी स्कोर को और सुधार सकें और अच्छा बनाए रख सकें। किन कारणों के वजह से आपका इम्यूनिटी स्कोर कम आया है, ये साथ में दिए हुए डॉक्यूमेंट में आपको देखने को मिलेगा। यूजुअली जब आपको कोई बीमारी होती है, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, या फिर आपको कोई एडिक्शन होता है, आपका व्यायाम अनियमित होता है, ऐसे वक्त पर आपका इम्यूनिटी स्कोर बहुत मार खाता है। अपना हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए मैं आज आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। सुनने में तो ये 5 पॉइंट बड़े साधारण से लगते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में हमने ये देखा है कि इन्हीं 5 पॉइंट्स में पेशेंट फेल होता है, इन 5 पॉइंट्स को पेशेंट सीरियसली नहीं लेता है, और यही वजह है अपनी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है और सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इसके होते हैं। तो इन 5 पॉइंट्स में से पहला पॉइंट है कंसल्ट। अगर आपने लंबे समय से अपनी बीमारी के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा नहीं किया है, तो तुरंत आपको अपने डॉक्टर से अपनी बीमारी डिस्कस करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है इन्वेस्टिगेट। अगर आपने लंबे समय से अपनी बीमारी के संबंधित जांचें नहीं की है, इन्वेस्टिगेशंस नहीं की है, तो तुरंत आपने अपनी जाँच करनी चाहिए और रेगुलरली आपको ये इन्वेस्टिगेशंस करते रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट है रेगुलर मेडिकेशंस। बहुत बार हम बिना इन्वेस्टिगेशन किए वही पुराने मेडिसिंस खाते जाते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। जो आपने अपनी हेल्थ की जांचें की है, इन्वेस्टिगेशन की है, उन्हें डॉक्टर के साथ शेयर करिए, उनकी सलाह लीजिए, और वो जिस मात्रा में जिस प्रकार से मेडिसिन लेने को कहे उस प्रकार से रेगुलरली आपको मेडिसिन लेना है, बिना भूले बिना स्किप किए। बहुत बार ये भी देखा गया है कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स को कोई विशेष डिस्कम्फर्ट नहीं होता है डिसीज़ की वजह से, ऐसे वक्त पर वो दवा लेना टाल देते हैं या फिर भूल जाते हैं। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है, आपने रेगुलर मेडिसिंस लेनी चाहिए। चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्राई टू रिवर्स। देखिए, ये जो सारी डिसीज कंडीशन आज हम देख रहे हैं, फिर वो ओबेसिटी हो, हाई कोलेस्ट्रॉल हो, डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिसीज़ हो, या फिर हाइपोथायरायडिज्म हो, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है। हमारी त्रुटिपूर्ण जीवन शैली की वजह से हमने इन डिसीजेस को इन्वाइट किया है। सिर्फ गोली खाते रहना ये इन बीमारियों का इलाज बिल्कुल नहीं है। आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के लिए। अगर आप थोड़ा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सके तो इनमें से मैक्सिमम बीमारियां रिवर्स हो सकती है, संपूर्ण रूप से ठीक भी हो सकती है। पांचवा पॉइंट जो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। हमारा जो आहार होता है वो हमारे डिसीज के जड़ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमारा आहार किस प्रकार से होना चाहिए, क्या चीज़ें हमारे डाइट में होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कितनी मात्रा में आहार लेना चाहिए, इसकी राय आपको अपने डॉक्टर से लेनी चाहिए। वेट मैनेजमेंट ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो वज़न है वो नियंत्रण में रहना चाहिए। सिर्फ वज़न ही नहीं, बल्कि अगर आपका पेट का घेरा ज़्यादा है, आपके पेट के ऊपर ज़्यादा चर्बी जमा है, तो ये बढ़े हुए वज़न से ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। तुरंत अपने वेट मैनेजमेंट के लिए योग्य उपाय योजना अपने डॉक्टर से समझ के लेना आपको ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपने रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। आपकी तबीयत के हिसाब से कितना व्यायाम आपने करना चाहिए ये आप अपने डॉक्टर से समझ के लीजिए और उतना व्यायाम आप रेगुलरली कीजिए। स्ट्रेस ये भी हमारे ज़िंदगी में अलग अलग बीमारियों का एक मूल कारण हो सकता है। अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन, इन चीज़ों का आप लाभ ले सकते हो। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ साथ ही बहुत सी ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिंस होती है जो आपको आपके डिसीज़ मैनेजमेंट में हेल्प करती है, इम्यूनिटी इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, और अपने शरीर का स्वास्थ्य बढ़ाने में हेल्प करती है। आयुर्वेद की जो पंचकर्म थेरेपीज़ है ये बहुत कारगर है आपके शरीर का शोधन करने के लिए, डिटॉक्स करने के लिए। पंचकर्म थेरेपीज़ के माध्यम से इम्यूनिटी के ऊपर बहुत अच्छा लाभ मिलता है। साथ ही जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिसीज़, हाइपोथायरायडिज्म,
हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा इत्यादि, इनके ऊपर भी पंचकर्म थेरेपीज के बहुत अच्छे रिजल्ट्स पाए गए हैं। तो इन 5 पॉइंट्स के माध्यम से आप अपना हेल्थ स्टेटस इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी इम्प्रूव कर सकते हो। तो ध्यान में रखिएगा, कंसल्ट, इन्वेस्टिगेट, रेगुलर मेडिकेशन, ट्राई टू रिवर्स योर डिसीज एंड इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। इन 5 माध्यमों से अपना हेल्थ स्टेटस और इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने में आपकी हर प्रकार की मदद करने के लिए माधवबाग आपके लिए लेकर आया है इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम। इस इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम में सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि हर एक वो चीज़ है जो आपको इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के सफ़र में ज़रूरी है। इस इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम में एक मेडिसिन किट है जिसमें 3 औषधियाँ हैं, माधोप्राश, गुडिलैक्स और SMP चूर्ण। ये सारी की सारी औषधियाँ WHO GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में बनती है। यहाँ पे क्वालिटी के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। माधोप्राश ये आयुर्वेद के प्राचीन च्यवनप्राश के फॉर्मूले के ऊपर आधारित एक औषधि है। खास बात यह है कि ये शुगर फ्री है, डायबिटिक के पेशेंट्स को भी दी जा सकती है और सर्वसाधारण च्यवनप्राश से इसमें 80 गुना ज़्यादा विटामिन सी होता है और आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए ये बहुत अच्छी दवा है। दूसरी मेडिसिन जो इसमें होती है वो है गुडिलैक्स टैबलेट। आयुर्वेद के एक बहुत प्रसिद्ध वनस्पति है गुड़ुची। इस गुड़ुची का इस औषधि में प्रधानता से उपयोग होता है। गुडिलैक्स टैबलेट बहुत अच्छा इम्यूनो स्टिमुलेंट और एडेप्टोजेनिक है। आपके शरीर को बीमारी के कंडीशन में परिस्थिति के अनुसार ढलने के लिए और उस बीमारी से उभरने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो ये मेडिसिन आपके बॉडी को सपोर्ट करती है। तीसरी मेडिसिन इसमें है SMP चूर्ण। आयुर्वेद के त्रिकुटु इस औषधि के ऊपर आधारित ये मेडिसिन आपके गले और रेस्पिरेटरी सिस्टम की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत कारगर औषधि है। औषधियों के व्यतिरिक्त जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको माधोबाग के इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम में मिलने वाली है वो है MIB पल्स ऐप का 3 मंथ्स का फ्री सब्सक्रिप्शन। इस ऐप के जरिए आपके हेल्थ स्टेटस के अनुसार आपके इम्यूनिटी इम्प्रूवमेंट के लिए ज़रूरी ऐसे लाइव वीडियो सेशंस आपको मिलने वाले हैं। उसके अलावा आप अगर डिसीज पर्सन है तो माधोबाग के 500 हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के वीडियो लाइब्रेरी के सारे वीडियोस को आपको फ्री एक्सेस भी मिलता है जिसका आप उपयोग ले सकते हैं। इम्यूनिटी के ऊपर बहुत से फैक्टर्स प्रभाव करते हैं जैसे कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, खानपान, एडिक्शंस। तो इन सारी चीज़ों से उभरने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन इन वीडियोस के माध्यम से आपको मिलने वाला है। एक्सरसाइज सेशंस, योगा सेशन, डाइटरी टिप्स, होम रेमेडीज, ऐसे अनेक टॉपिक्स इसमें कवर होने वाले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात MIB पल्स ऐप की यह है कि आप अपने हेल्थ पैरामीटर जैसे कि ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी चीज़ें नज़दीकी माधोबाग क्लिनिक के डॉक्टर्स के साथ इस ऐप के माध्यम से शेयर कर सकते हो और उनकी इसके ऊपर सलाह पा सकते हो। माधोबाग के इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम में आपको मिलता है एक फ्री कंसल्टेशन कूपन जिसके माध्यम से क्लिनिक में जाके आप अपनी हेल्थ का फ्री क्लिनिकल असेसमेंट करा सकते हो और डॉक्टर से कंसल्टेशन पा सकते हो। दोस्तों, डाइट का इम्यूनिटी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस प्रोग्राम में हम आपको देने वाले हैं एक ई रेसिपी बुक जो डाइट के विषय में आपका मार्गदर्शन करेगी। आयुर्वेद की जो पंचकर्म थेरेपीज है ये बहुत कारगर मानी गई है आपके शरीर का डिटॉक्स करने के लिए और आपकी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए। तो जिन लोगों को डिसीज कंडीशन के वजह से पंचकर्म करने की भी ज़रूरत है इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, उन लोगों के लिए माधोबाग के इस इम्यूनिटी बूस्टर प्रोग्राम में आपको मिलने वाले हैं 4 पंचकर्म डिस्काउंट कूपन्स जिनके माध्यम से आप पंचकर्म के ऊपर 50% डिस्काउंट्स भी यहाँ पे अवेल कर सकते हो। दोस्तों, चाहे आप डिसीज्ड पर्सन हो या फिर हेल्दी, चाहे आप वृद्ध हो या फिर युवा, आपकी इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ मेडिसिन ही नहीं बल्कि हर एक वो चीज़ जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ज़रूरी है उन सब का समावेश इस माधोबाग के इम्यूनिटी बूस्टर किट में है। और इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के इस आपके सफ़र में हर एक कदम पर मेडिसिन के रूप में, वीडियो इन्फॉर्मेशन के रूप में,
काउंसलिंग के रूप में, कंसल्टेशन के रूप में और MIB Pulse ऐप के 24/7 डायरेक्ट सपोर्ट के जरिए हम हर कदम आपके साथ हैं।